Yes, yes. दूसरी पेटी में क्या है? राजा अजीत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। आज जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जननायक और जो विकास के मसीहा, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे और विभिन्न पदों पे दिल्ली सरकार में भी उन्होंने देश की सेवा की है, वो कुछ दिन पहले हमारे बीच में नहीं रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें जो भीड़ उमड़ी, उससे ये साफ हो गया कि वो केवल गरीबों या और दलितों, किसानों, बागवानों के मसीहा ही नहीं थे, बल्कि आम जन के मसीहा थे। और आज सारा प्रदेश जो है आज गमगीन है और परेशान है, ये समझ नहीं आ रहा है कि अब प्रदेश का क्या होगा। और आप जानते हैं कि उनके कार्यकाल में कितना विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है, और उन्होंने सारे प्रदेश का समान विकास किया। उनको समान विकास करने वाला नेता कहा जाता था, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। और जहाँ तक सिरमौर की बात है, जो भी सिरमौर का पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। यही नहीं, जहाँ तक पछात का प्रश्न था, पछात के इलाके से उनका बहुत लगाव था, और वो ये भी कहा करते थे कि भाई अगर एक आपका विधायक और है तो मैं भी आपका ही विधायक हूँ। और उन्होंने इस बात को उनकी कथनी करनी में ही नहीं रखा, बल्कि ये करके दिखाया कि जो जो विकास लेकर के हम गए या उनकी नॉलेज में आया या उनके ध्यान में लाया गया, उन्होंने कभी भी उस विकास को ना तो ना की और उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। आप जानते हैं कि वो एक ऐसे नेता थे जो भले ही उन्होंने राजधानी खानदान में जो है वो पैदा हुए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी कोई फरियादी उनके पास जाता था, ये वो भले ही राजा खानदान से थे, लेकिन कोई भी गरीब आदमी अगर कोई फरियाद लेके जाता था और अगर वो अपने आँखों के आंसू निकालता था तो राजा साहब के आँखों से अपने आप ही आंसू आने शुरू हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नेता हमने खो दिया है, और हिमाचल प्रदेश का जननायक, हिमाचल प्रदेश को जो विकास की ऊंचाइयों पे उन्होंने पहुँचाया, और हम तो उनके बहुत आभारी हैं कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमें भी अंगुली से पकड़कर जो है आगे बढ़ना सिखाया, अपने इलाके की सेवा करना सिखाया, और बहुत बड़े बड़े पदों पे हमको उन्होंने निभाया। हम तो उनका एहसान जो है वो ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। हम उनके ऋणी हैं, हम उनके कर्जदार हैं, और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो विकास उन्होंने किया है वो कोई भी जो है नेता जो है हिमाचल प्रदेश का नहीं कर सकता, आपने देख लिया। जो है यशवंत नगर में
गिरी नदी में इनका जो अस्थि कलश है उसका विसर्जन होगा। जो भी व्यक्ति वहाँ भी आकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है वो 17 तारीख को 9 बजे यशवंत नगर में जो है वो आ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर था।